नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो देखना ना भूलिएगा। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला सवाल आपके सामने है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, झुकेगा नहीं साला, तो यहां पर उस डायलॉग के लिए यहां पर अगर हम बात करेंगे, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चूज किया है, अल्लू अर्जुन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अल्लू अर्जुन, तो बिल्कुल राइट है, ये आपके अल्लू अर्जुन है। इनकी एक तेलुगु मूवी आई थी पुष्पा द राइजिंग पार्ट, इनमें बेस्ट एक्टिंग लिए इनको अवार्ड मिला है। ये फिल्म 2021 में आई थी। आपको बता दें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इस बार 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और 2021 में अनाउंस हुआ था। इसकी घोषणा अभी 24 अगस्त 2023 को हुई है। यह अवार्ड डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की तरफ से दिया जाता है। यह संस्था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कुछ फिल्में हैं जो साल 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन फिल्मों को वर्ष 2021 में ही डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया गया है, इसलिए वे सभी फिल्में भी 2021 की कैटेगरी में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे चुना गया है, किसे दिया गया है? अगर आपने चूज किया ऑप्शन डी आलिया भट्ट और कृति सेनन, बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा आलिया भट्ट, कृति सेनन। ओके, तो आइए आपको बता दें आलिया भट्ट को यह अवार्ड उनकी हिंदी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में बेस्ट एक्टिंग के लिए मिला है, और कृति सेनन को यह अवार्ड हिंदी फिल्म मिमी में बेस्ट एक्टिंग के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया, कौन सी पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना गया? अगर आपने चूज किया ऑप्शन सी रॉकेटरी द नवी इफेक्ट, ठीक ना, रॉकेटरी द नवी इफेक्ट, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आप यहां पर देख सकते हैं यह एक भारतीय जीवनी नाटक फिल्म है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नवी नारायण के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आर माधवन और उन्होंने फिल्म में मुख्य अभिनय की भूमिका भी निभाई है, आर माधवन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर आर आर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर आर आर, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा आर आर आर। ओके, तो आर 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 जो है एस एस राजमौली की फिल्म है, आर का मतलब राइज, ठीक ना, रोअर और रिवॉल्ट। आपको बता दें फिल्म आर आर मूल रूप से तेलुगु में बनी थी और इसे हिंदी अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में लॉन्च किया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एस एस राजमौली। आर आर फिल्म की एक नजर में देखें, यह एक भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की मुख्य भूमिका पर आधारित है। यह साल 1920 के ब्रिटिश शासन पर आधारित है। आर आर का तेलुगु मीनिंग है रौद्रम रानम रुधिरम और हिंदी में इसका मतलब है राइज रोर रिवोल्ट। फिल्म में आपके रामचरण और जूनियर एनटीआर ने लीड रोल निभाया है, जैसा कि आप सभी को पता है। अगला सवाल आपके सामने है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया है? सॉरी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है सरदार उधम सिंह। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सरदार उधम सिंह, बिल्कुल राइट है, आप देख सकते हो सरदार उधम सिंह डायरेक्टर हैं सुजीत, ठीक है ना, और रॉनी लहरी इसके प्रोड्यूसर हैं। यह एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में जो आपके एक्टर हैं विक्की कौशल ने लीड रोल किया है, डायरेक्टर इस फिल्म के हैं सुजीत सरकार और प्रोड्यूसर हैं किनो वर्क, ठीक ना, LLP, किनो वर्क्स LLP। अब हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में अलग अलग भाषाओं में
बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला है? एक तरफ भाषाएं और एक तरफ फिल्म है। जैसे कि हिंदी भाषा में आपका नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है सरदार उधम फिल्म को, असमी भाषा मिला है अनुर आई ऑन द सनराइज को, बंगाली भाषा में मिला है कौन सी फिल्म को, कॉल कोखो हाउस ऑफ टाइम को, गुजराती भाषा में मिला है लास्ट फिल्म शो छेलो शो को, कन्नड़ भाषा में मिला है 777 चार्ली को, मैथिली भाषा में मिला है आपका समांतर द पैरलर को, मराठी भाषा मिला है एकदा के जाला को, मलयालम भाषा मिला है होम फिल्म को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिर माइथलोन भाषा मिला है एक होइगी यम ओवर होम को, ओडिया में मिला है प्रतिछाया द वेस्ट को, तमिल भाषा में मिला है कदेसी विवसाई द लास्ट फॉर्मर को, तेलुगु भाषा में आपका उपेन वेप को। ठीक है ना, तो ये सारी भाषाओं में जितने भी फिल्मों को अवार्ड मिले हैं वो सारे बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर फीचर फिल्म अवार्ड। तो 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर किस फीचर फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड के लिए चुना गया है? तो नरगिस दत्त अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स। तो जिनका भी आंसर आ रहा है द कश्मीर फाइल्स, बिल्कुल राइट है। आपको बता दें दोस्तों द कश्मीर फाइल्स यह हिंदी फिल्म बॉलीवुड फिल्मों में ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी पर आधारित है। चलिए अब आपको बताएंगे जितने भी अवार्ड मिले हैं दोस्तों यहां पर 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म अवार्ड जितने मिले हैं वो सारे बताएंगे। एक तरफ कैटेगरी है और किस कैटेगरी में कौन विनर रहा है उसको बताएंगे। तो अभी मैंने बताया बेस्ट फीचर फिल्म मिला है रॉकेटरी द नवी इफेक्ट हिंदी भाषा में। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निखिल महाजन को गोदावरी द हॉली वाटर के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइस पार्ट, झुकेगा नहीं साला। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है आलिया भट्ट को, कृति सैनन को, गंगूबाई कठियावाड़ी और मिमी दोनों ही हिंदी मूवी ने टाई किया है इसलिए इन दोनों को ही मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करेंगे पंकज त्रिपाठी को मिला है फिल्म है मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नाम है पल्लवी जोशी, हिंदी फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट में मिला है भाविन रवारी को, गुजराती फिल्म है लास्ट फिल्म शो छेलो शो। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करेंगे, बेस्ट मेल प्लेबैक का मिला है काल भैरव को, तेलुगु फिल्म आरआर में कोमुरम भीमुडु गीत के लिए मिला है, कोमुरम भीमुडु गीत के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है श्रेया घोषाल को, तमिल फिल्म इरविन नीजल शेडो ऑफ द नाइट में मयावा चयावा गीत के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म के लिए मिला है अविक मुखोपाध्याय जी को सरदार उधम फिल्म के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले की बात करेंगे, बेस्ट स्क्रीन पे अवार्ड मिला है शाही कबीर नाइटू को द हंट के लिए और संजय लीला भंसाली, ठीक ना, उत्कर्षिणी वशिष्ठ और प्रकाश कपाड़िया को मिला है गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। बेस्ट ऑडियोलॉजी की बात करेंगे अरुण अशोक और सोनू केपी को मिला है मलयालम फिल्म चविट्टू के लिए, अनीस बसु को बंगाली फिल्म झिली डिस्कार्ड के लिए और आपके सिनाय जोसेफ हिंदी फिल्म सरदार उधम के लिए। बेस्ट एडिटिंग मिला है संजय लीला भंसाली को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन दमित्री मालिच मानसी ध्रुव मेहता हिंदी फिल्म सरदार उधम के लिए। बेस्ट पोशाक डिजाइनर आपके हैं वीरा कपूरी हिंदी फीचर फिल्म सरदार उधम के लिए। बेस्ट मेकअप कलाकार हैं प्रीति सील सिंह डिसूजा गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का मिला है देवी श्री प्रसाद को तेलुगु फिल्म पुष्पा के लिए और एमएम किरावनी को मिला है तेलुगु फिल्म आरआरआर के लिए। बेस्ट लिरिक की बात करेंगे चंद्र बोस तेलुगु फिल्म कोंडा पोलम में गीता धाम 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 के लिए। विशेष जूरी पुरस्कार मिला है विष्णु वर्धन शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट मिला है श्री वी श्रीनिवास मोहन तेलुगु फिल्म आरआरआर के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफी मिला है प्रेम रक्षित को तेलुगु फिल्म आरआर के लिए, कोरियोग्राफी का अवार्ड प्रेम रक्षित को। बेस्ट एक्शन डायरेक्टिंग अवार्ड यानी कि स्टंट कोरियोग्राफर का मिला है राजा सोलोमन को आरआरआर के लिए।
इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का मिला है विष्णु मोहन को। मलयालम फिल्म आई थी आपकी एक, थी ना, मेपडियन पर्सन अवप। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली बेस्ट लोकप्रिय फिल्म है एसएस राजमौली की आरआरआर। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मिला है नरगिस अवार्ड। डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज इसके डायरेक्टर हैं रीमा बोरा। असमिया फिल्म अनुवाद द रेजोनेंस। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कृषंद, और प्रोड्यूसर का मिला है कृषंद। फिल्म मलयालम आई थी इनकी अवा साइबू हम। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला है एमडी मीडिया कॉर्प और डायरेक्टर मनीष सोनी मनीष सेनी। गुजराती फिल्म है गांधी एंड को। अब बात करेंगे नॉन फीचर फिल्म अवार्ड की। नॉन फीचर फिल्म अवार्ड की बात करेंगे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस नॉन फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा एक गांव एक था गांव। अगर आपका आंसर आ रहा है एक था गांव, बिल्कुल राइट है, एक था गांव इस फिल्म के लिए चुना गया है। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं सृष्टि लखेरा जी। 35 वर्षीय सृष्टि लखेरा उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्ति नगर ब्लॉक के सेमला गांव से हैं। यह मूवी गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी है। यह मूवी पहाड़ के पलायन का दर्द बताती है। मूवी में घोस्ट विलेज की कहानी है। मूवी में घोस्ट विलेज की कहानी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में महत्वपूर्ण नॉन फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिले हैं। एक तरफ मैंने कैटेगरी ली है और एक तरफ विजेता है। चलिए, तो मैंने बताया बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है सृष्टि लेखरा की एक था गांव। इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। फिल्म आपका नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। बेस्ट आर्ट फिल्म का मिला है दोस्तों वी पैकीरिसामी को। इनकी फिल्म थी टी एन कृष्णन बो स्ट्रिंग टू डिवाइन। बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिल्म के लिए मिला है प्रोड्यूसर का अवार्ड। मिला है गणेश प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन अभिजीत बनर्जी को इथोस ऑफ डार्कनेस के लिए। बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म का बात करेंगे तो आर एस प्रदीप को मिला है फिल्म मुन्नप वलाबू के लिए। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू के लिए मिला है असीम कुमार सिन्हा हिमांशु प्रजापति को मिट्ठू दी और 3-2-1 के लिए। इसके अलावा बेस्ट एजुकेशनल फिल्म है बी लेनिन की, और इस फिल्म का नाम है सिर पिगलिन सिर पांगल, और ये अवार्ड मिला है बी लेनिन को। बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म बप्पा रे बप्पा रे को दिया गया। इनकी फिल्म आई थी लुकिंग फॉर चला। बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए अवार्ड मिला है आदिश आदि थी कृष्णदास। इनकी फिल्म थी कांजी तुंडू। बेस्ट जूरी अवार्ड मिला है शेखर बापू रखा खांबे जी को रणखांबे जी को। फिल्म आई थी रेखा। बेस्ट डायरेक्शन बकुल मतियानी फिल्म स्माइल प्लीज। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी बिट्टू रावत को मिला है फिल्म पाताल टी। बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला है अब्रो बनर्जी को फिल्म मेमोरी सब्स मिराइड के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन अवार्ड मिला है ईशान दिवेचा को फिल्म सकेलेंड के लिए। चलिए, अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिक बाई लक्ष्मीकांत परेलाल जी। अगर आपका आंसर आ रहा है म्यूजिक बाई लक्ष्मीकांत परेलाल जी, वेरी गुड। आपको बता दें ये है आपकी म्यूजिक ऑफ बाई लक्ष्मीकांत परेलाल। इसके लेखक हैं राजीव विजयकर और इसके प्रकाशक हैं रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेटेस्ट टॉपिक पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा, और इस टॉपिक में मैंने कंप्लीट 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सपोर्ट करें। मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।